रेखा चित्र क्या है, रेखा चित्र की परिभाषा लिखिए, या रेखा चित्र किसे कहते हैं और रेखा चित्र की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राकेश और आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। प्रश्न है, रेखा चित्र किसे कहते हैं, रेखा चित्र की विशेषताएं लिखिए। लेखक जब अपने संपर्क में आने वाले किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना आदि को अल्प शब्दों के माध्यम से सांकेतिक रूप से चित्रित करता है तो उस कृति को रेखा चित्र कहते हैं। लेखक जब अपने संपर्क में आने वाले किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना आदि को अल्प शब्दों के माध्यम से सांकेतिक रूप से चित्रित करता है तो उस कृति को रेखा चित्र कहते हैं। रेखा चित्र की विशेषताएं। पहली विशेषता है, इसमें किसी व्यक्ति, वस्तु या दृश्य का वर्णन करते हैं। रेखा चित्र में क्या होता है, इसमें किसी व्यक्ति, वस्तु या दृश्य का वर्णन करते हैं। दूसरी विशेषता है, इसमें लेखक रागो उत्प्रेरक शब्दावली का प्रयोग करता है। क्या है, इसमें लेखक रागोत्प्रेरक शब्दावली का प्रयोग करता है। तीसरी विशेषता है, रेखा चित्र कल्पना प्रधान हो सकता है। तीसरी विशेषता है, रेखा चित्र कल्पना प्रधान हो सकता है। चौथी विशेषता है, रेखा चित्र के लिए किसी भी विषय को अपनाया जा सकता है। क्या है, रेखा चित्र के लिए किसी भी विषय को अपनाया जा सकता है। पांचवी विशेषता है, रेखा चित्र की विषय वस्तु विस्तृत होती है। क्या है, रेखा चित्र की विषय वस्तु विस्तृत होती है। तो हे गाइज, यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।